आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। समाजवादी पार्टी की जिला इकाई की लोहिया रसोई लगातार जारी है। राजमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर जहां शहर इकाई ने कार्यक्रम का आयोजन किया, वहीं जिला इकाई की लोहिया रसोई देर शाम तक चलती रही। इस दौरान करीब 2000 गरीबों को भोजन के पैकेट का वितरण समाजवादियों द्वारा किया गया। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर जिला इकाई द्वारा संचालित लोहिया रसोई दो सप्ताह से लगातार जारी है। लोकमाता मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जयंती पर जिला इकाई द्वारा मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर को याद किया गया। मातेश्वरी की 296वीं जयंती के उपलक्ष्य में पार्टी कार्यालय पर गरीबों को भोजन पैकेट वितरण करने के साथ ही सैकड़ों लोगों को पार्टी कार्यालय पर ही भोजन कराया गया। लोहिया रसोई के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी जिलाध्यक्ष रामगोपाल बघेल और जिला महासचिव तेजपाल यादव सहित जिला इकाई की पूरी टीम की पीठ थपथपाई। देखिए, आज राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे देश के अंदर समाजवादी पार्टी के मुख्यालयों पर ये जयंती मनाने का कार्य किया है। ये पाल बघेल धनगर समाज के लिए गर्व की बात है। आज उसी उपलक्ष्य में आगरा जिला कार्यालय पर बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पाल बघेल धनगर समाज के लोगों ने, वरिष्ठ लोगों ने जयंती को मनाया है और बड़ा भंडारे का आयोजन किया है, जिसमें हम बड़े गरीब और मजदूर किसान और जो रोड पर रहते हैं गरीब, उनको खाना खिलाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि माता अहिल्याबाई होलकर जी ने हमेशा इस देश में बड़े पैमाने पर मंदिरों का जीर्णोद्धार, गरीबों की मदद की थी, उसी परंपरा को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमारे समाज के महापुरुष को जिस तरह से सम्मान दिया है, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और समाज माननीय अखिलेश यादव जी के साथ रहेगा। आज लोहिया रसोई का 13वां दिन है और इसी के उपलक्ष्य में आज अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती है। बड़ी धूमधाम से समाजवादी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने मनाने का काम किया है और गरीब बेसहारा लोगों को बिठा करके भरपेट खाना खिलाने का काम किया है। अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो ये कार्यक्रम ऐसे ही आगे चलता रहेगा। देखिए, सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने इतने बड़े स्तर पर पूरे प्रदेश के अंदर अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती मनाने का सभी पार्टी संगठन को निर्देश दिया। वहीं हमने संकल्प लिया है, जो माता रानी अहिल्याबाई होलकर जी के सिद्धांत हैं, जो उनकी नीतियाँ थी, उसको समाज के बीच में ले जाएंगे। उसके अलावा हम लोग लॉकडाउन में खाना खिलाने का जो काम कर रहे हैं, इसी उपलक्ष्य में आज माता रानी की जयंती के उपलक्ष्य में आज हमने जमीन में बिठाकर भरपेट लोगों को खाना खिलाने का भी संकल्प लिया है। कोरोना काल की दूसरी लहर के दौरान सपा की शहर इकाई भी सक्रिय रही। समाजवादी पार्टी की शहर इकाई ने भी मातोश्री अहिल्याबाई होलकर की 296वीं जयंती पर उन्हें याद किया। पार्टी महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार के नेतृत्व में शहर इकाई ने एक संगोष्ठी का आयोजन कर मातोश्री अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके द्वारा अपने शासनकाल के दौरान जनहित में किए गए कार्यों को याद किया। महारानी अहिल्याबाई जी का जन्म 1725 में महाराष्ट्र में एक छोटे से गाँव में हुआ था। आपने महारानी जब आप बनी तो आपने तमाम प्रसिद्ध तीर्थ यात्री स्थानों का मंदिर बनवाए, घाट बनवाए, कुएं और बावड़ियों का निर्माण आपने कराया, मार्ग बनवाए, भूखों के लिए अन्न सत्र, खोके प्यासों के लिए प्याऊ खुलवाए, इस तरह के तमाम सामाजिक कार्य गरीब और दबे कुचले लोगों के लिए आपने किया। इसी वजह से आज उनकी 296वीं आज हम उनका 296वां जयंती बनाने का काम समाजवादी पार्टी कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज सभी समाजवादी लोग कर रहे हैं और उनको याद करने का काम कर रहे हैं, उनके बताए गए रास्ते पर चलने का प्रयास करने का काम समाजवादी लोग कर रहे हैं। आज प्रातः स्मरणीय पुण्य श्लोका मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी की 296वीं जयंती का आयोजन समाजवादी पार्टी महानगर कार्यालय पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार संपूर्ण प्रदेश में आज मातेश्वरी की जयंती का आयोजन किया जा रहा है। लोकमाता की उपाधि से विभूषित मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर ने करीब 30 साल तक शासन किया। इस दौरान उन्होंने लोकहित के लिए तमाम कार्य किए। समूचे देश में 12,000 से अधिक धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार कराया। विजय बघेल, सी न्यूज, आगरा।